कैनन M50 ये आई थिंक मैंने 9 या 10 महीने पहले परचेस किया था, और सरप्राइजिंगली मैंने आज तक M50 के ऊपर डेडिकेटेड एक भी वीडियो नहीं बनाई है। आई नो काफ़ी कमेंट्स थे, काफ़ी क्वेरीज थी कि M50 का मेरा एक्सपीरियंस कैसा है। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा 10 ऐसे रीजंस कि मेरे को क्यों लगता है कि अभी भी कैनन M50 इफ़ नॉट द बेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमराज अंडर 50,000। और सबसे पहला रीज़न जिससे मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा और जिस वजह से मैंने कैनन M50 लिया था वो है इसकी फ्लिप आउट स्क्रीन। अब फ्लिप आउट स्क्रीन के हो सकता है कई लोगों को बेनिफिट्स ना हो, कई लोगों की रिक्वायरमेंट ना हो, बट मेरे हिसाब से इसका जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बिकॉज अगर मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक मेन रीज़न था M50 लेने का बिकॉज मेरे को यूट्यूब वीडियोज़ बनानी थी। और एक फैक्ट, अभी मैं वैसे कैनन EOS R से वीडियो कर रहा हूँ, बट पिछली अगर मैंने 100 वीडियोस की हैं तो उसमें से 95 वीडियोस मैंने M50 से ही करी हैं। उसके रीजंस आगे मैं शेयर करूँगा। बट फ्लिप आउट स्क्रीन की मैं बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से व्लॉग्स बनाता हूँ, अब अगर मेरे पास फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं होगी मैं नहीं देख सकता मेरा फ्रेम क्या आ रहा है। और इवन अगर मैं इस तरह की वीडियोज़ बना रहा हूँ, अभी मेरे पास फ्लिप स्क्रीन है तो मैं देख पा रहा हूँ कि क्या वीडियोज़ बन रही हैं। बिना उसके आपको कुछ नहीं पता लगेगा आप क्या वीडियोस कर रहे हो। इवन अगर मैं फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ, मेरे पास फ्लिप आउट स्क्रीन है, मैं एकदम लो एंगल जाके भी मैं स्क्रीन को रोटेट करके देख सकता हूँ, और मैं हाई एंगल शॉट्स ले रहा हूँ मैं इसको एडजस्ट करके देख सकता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न था कि मैंने M50 को क्यों प्रेफर करा वो था इसका ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस। ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी कैनन की एक यू कैन से कि USP है, वन ऑफ द मेन रीजंस अगेन कि मैंने क्यों लिया था। बिकॉज ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस में क्या होता है, अगर मैंने एक बार एक जगह पे फोकस कर दिया उसके बाद वो अपने आप ट्रैक भी कर सकता है, चाहे वो वीडियोस हो चाहे स्टिल्स। मेरे को बार बार हाफ शटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं 5D Mark III से प्रोफेशनल शूट्स करता था, उसमें क्या होता है मेरे को हमेशा हाफ बटन या बैक बटन प्रेस करके फोकस करके देन शूट करना पड़ता था। ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी में क्या है, कैमरा अपने आप कंटिन्यूसली फोकसिंग करता रहता है अगर आप उस सेटिंग्स में उसको सेट कर देते हो। आपको बार बार फोकस नहीं करना। अब फोटोज़ में काफ़ी यूज़फुल रहता है क्योंकि आपको पता है कि आपका कंटिन्यूसली फोकस हो रहा है। वीडियोज़ में अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस में, अगर मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ मेरे को पता है कैमरा कंटिन्यूसली मेरे पे फोकस रख रहा है। नेक्स्ट फीचर भी फोकसिंग से रिलेटेड है एंड दैट इज़ आई ऑटो फोकस। अब ये पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी रिसेंटली भी एक वीडियो डाली थी एक लेंस की, जहाँ पे मैंने फंक्शनैलिटी दिखाया था कि आई ऑटो फोकस में जो क्लोजेस्ट आई है कैमरा की तरफ कैमरा उस पर फोकस रखता है। इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि कई बार क्या होता है आप 1.8 पे भी अगर शूट कर रहे हो, यहाँ की जगह अगर इधर भी फोकस हो गया तो जो आगे का एरिया है वो थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो जाता है। वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आई ऑटो फोकस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो काफ़ी इम्प्रेसिव फीचर है M50 में वो है टच फोकस। अब टच फोकस में क्या है, अभी मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी फोटोज़ या वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं उस स्पेसिफिक एरिया पे टच कर सकता हूँ एंड कैमरा अपने आप वहाँ पे फोकस ले लेगा। और अगर मैंने 1 पॉइंट ऑटो फोकस कर रखा है तो वह सिर्फ उसी पॉइंट पर फोकस लेगा, उसके आसपास जो भी फ्रेम है वो कहीं भी कुछ कंसिडर नहीं करेगा। अब टच एंड फोकस काफ़ी यूज़फुल रह सकता है, मेरे को तो रहता है अगर मैं वीडियोज़ या फोटोज़ ले रहा हूँ मेरे को पता है मैंने एक जगह टच कर दिया तो वहाँ पे फोकस रखेगा। अब यूजुअली जब आप DSLR में अगर शूट करते हो आपको बहुत कम एरिया में आई थिंक 60% या 65-70% एरिया ही कैमरा फोकस कर पाता है, जो उसके फोकस पॉइंट्स जहाँ पे स्प्रेड आउट होते हैं। M50 में क्या है, वर्टिकली 100% एरिया और हॉरिजॉन्टली 88% एरिया पूरा आपका फोकस कवरेज रहता है। आप कहीं भी टच ड्रैग करके फोकस कर सकते हो और वो उस पूरे एरिया में कहीं भी अगर आपका सब्जेक्ट है वो फोकस ले लेगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर जो इसमें है, अब कई बार क्या होता है कि हर कोई टेक्निकली साउंड नहीं है, हर किसी को नहीं पता कि कब क्या सेटिंग्स रखनी है, कैसे कलर्स क्या चाहिए। A+ ऑटो प्लस मोड है इसमें एक अलग से, जिसमें जाके आप काफ़ी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता ब्लर के लिए क्या सेटिंग्स रखनी है, आपके पास एक स्केल आ जाता है कि आपको ब्लर इफेक्ट ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, इवन सेपिया, ब्लैक एंड वाइट, ये सारे मोड्स भी आपको उसी एक मोड में मिल जाते हैं। तो अब अगर आप वीडियोज़ ज़्यादा बनाते हो, आप इंटरेस्टेड हो वीडियोज़ बनाने में,
या आप मैक्रो फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा क्लिक करते हो। सो यूजुअली क्या होता है उस सिचुएशंस में, लाइक मैं प्रेफर करता हूँ मैं मैनुअल फोकस में शिफ्ट कर दूँ लेंस को और जो फोकसिंग है वो मैनुअल हो। उस सिचुएशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप अगर DSLR यूज़ करते हो, आपको पता नहीं लगता कि कब कहाँ पे फोकस हो रहा है, इसमें एक मैनुअल फोकस पीकिंग ऑप्शन है। तो फोकस पीकिंग में क्या होता है, जब आप मैनुअली फोकस कर रहे हो तो आपको अपने LCD में दिखता रहता है जहाँ भी फोकस होगा वहाँ पे प्रेफर्ड कलर अगर आप रेड रखते हो तो वो रेड कलर में दिखा देगा कि आपका फोकस कहाँ पे है इस टाइम। वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है जब आप मैनुअली फोकस करके वीडियोस या फोटोज़ क्लिक करना चाहते हो। देन अगर आप वाइल्ड लाइफ, एक्शन, स्पोर्ट्स या ऐसे किस सिचुएशन में फ़ोटोज़ क्लिक करते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा FPS चाहिए, आपको चाहिए आप एक सेकेंड में मैक्सिमम फ्रेम्स कैप्चर कर सको, सो इसमें जो स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से 10 FPS मिलता है अगर आप वन टाइम ऑटो फोकस कर रहे हो। अगर आप AI सर्वो में शूट करते हो कंटिन्यूस फोकसिंग, वहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7.4 FPS के आसपास मिलता है। सो कंपेयर टू अ DSLR इसमें FPS काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब अगर हम DSLR से कंपेरिजन्स की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है कि यूजिंग द अडाप्टर, लाइक यहाँ पे ये जो अडाप्टर पे मैंने कैनन का 1018mm लेंस लगाया हुआ है, ये जो लेंस है ये DSLR का लेंस है। अब आप सोच रहे होगे मिररलेस में DSLR का लेंस कैसे, सो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। आप लाइक इस M50 में ये अडाप्टर जब मैंने लिया था तब ऑफर चल रहा था, साथ में फ्री था, आप शायद अलग से भी लेते तो आई थिंक इट्स अंडर 5000। और इस अडाप्टर के साथ आप कोई भी DSLR का लेंस इसमें यूज़ कर सकते हो। अब कई बार होता है कि हम ऐसी सिचुएशंस में शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको चाहिए कि जो आपकी शटर नॉइस आती है जब आप फोटो क्लिक करते हो, एक शटर की आवाज़ आती है, वो आप अवॉइड करना चाहते हो, DSLR में भी ऑप्शंस मिलती हैं। कई कैमराज में होता है जहाँ पे आप साइलेंट करते हो बट स्टिल हल्का बहुत नॉइज़ होता है, तो कैनन M50 में एक साइलेंट शूटिंग मोड है जो आप अगर SCN सीन मोड में जाओगे वहाँ पे मिल जाता है। उसको अगर आप सेट करते हो तो जब आप फोटो क्लिक करोगे आपको ज़ीरो नॉइस आएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब फ़ोटो क्लिक हो गई। तो ये आप इंटेलिजेंटली स्ट्रीट फोटोग्राफी में या ऐसी सिचुएशन में शूट कर सकते हो फोटोज़ जहाँ पे अगले बंदे को ना पता लगे कि आप फ़ोटो क्लिक कर चुके हो और एक्चुअली आप काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक कर चुके होगे। अब 10th एंड लास्ट फीचर जो मेरे को इसमें काफ़ी अच्छा लगा वो है ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ से आप यूजिंग कैमरा कनेक्ट, कैनन का जो अपना ऐप है उसको एंड्रॉयड iOS में, आई एम नॉट श्योर एंड्रॉयड में मैंने यूज़ करा है, काफ़ी सीमलेसली, काफ़ी फास्ट और काफ़ी एक्यूरेटली, फॉर एग्जांपल मैंने अभी शूट करा, विद इन सेकेंड्स मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोस फ़ोन में कैमरा से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अगर मैं अभी शूट कर रहा हूँ एंड मेरे को साइड बाय साइड इंस्टाग्राम में पोस्ट करना है तो यहाँ पे मैं अभी शूट करूँगा एंड विद इन सेकेंड्स अगर मेरा कनेक्टेड है ब्लूटूथ से वो अपने आप फ़ोन में मेरे पास कंटेंट आ जाएगा और उसको स्नैपसीड या लाइटरूम में जल्दी से एडिट करके पोस्ट कर सकता हूँ। सो ये थे कुछ 10 ऐसे फीचर्स जिस वजह से मैं M50 को पिछले 10 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एम स्टिल हैप्पी एंड आई स्टिल थिंक कि ये 50,000 में अभी मेरा पर्सनल फेवरेट है। लेट मी नो योर व्यूज़, अगर आप खुद यूज़ कर रहे हो M50 तो आपको क्या बेनिफिट्स लगते हैं इन 10 के अलावा, जो भी आपके व्यूज़ हैं आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। हम मिलते हैं आगे इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।